What is up everybody, this is Gagal Jay. Welcome back to my channel guys. So ladies and gentlemen, boys and girls, आज जो स्नेक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है देश का सबसे ज्यादा तेज सांप, जिसे कि घोड़ा पछाड़ के नाम से पहचाना जाता है। तो उस स्नेक को आज हमने रेस्क्यू किया है और उसे रिलीज भी कर दिया हमने, तो आप वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इस सांप के बारे में बहुत सारी धारणा है कि ये सांप के पूंछ में जो है वो जहर का कांटा होता है और ये सांप मवेशियों के पैरों को लिपट के उनका दूध पी जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो हम जानेंगे वीडियो में आगे, तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए उसका पहले रेस्क्यू और रिलीज देख लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन रेड स्नेक है, तो इसकी पहचान एकदम आसान है दोस्तों। अब देखिए किस तरह उसने मुझे पूरा टाइटली लपेट लिया है, तो इसकी पहचान एकदम आसान है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पूंछ पे किस तरह से ब्लैक कलर के स्ट्राइप रहते हैं, तो देखिए कितना अभी ये एग्रेसिव हो चुका है। तो चलिए इसे पैक कर देते हैं। Oh my god, ये वर्डनर अंकल और आंटी है जिन्होंने हमें कॉल किया था स्नेक के लिए, तो हमने अभी स्नेक रेस्क्यू कर दिया, अभी इसे रिलीज कर देंगे। ऑलराइट गाइस, तो जो हमने इंडियन रेड स्नेक रेस्क्यू किया था तो अभी इसे रिलीज कर देंगे। क्या है आप देख सकते हैं किस तरह है ये, तो थोड़ा सा रात हो गया इसे रिलीज करने में, लेकिन अभी हम रिलीज कर देते हैं इसे। तो चलिए, तो चला गया गाइस वो। तो गाइज, कुछ इस प्रकार हमने उस स्नेक को रेस्क्यू करके रिलीज कर दिया। और जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि इंडियन रेड स्नेक एक नॉन वेनमस स्नेक है, तो जिसके वजह से मैंने उसको फ्री हैंडल किया। और रही बात कि उसके पूंछ में जहर का कांटा होता है या नहीं उसकी, तो दोस्तों इंडियन रेड स्नेक के पूंछ में बिल्कुल भी जहर का कांटा नहीं होता। आम सांपों की तरह ही उसकी भी पूंछ होती है। आपने वीडियो में देखा भी होगा कि मैंने उसको पूंछ की ओर से पकड़ा और फिर बाद में भी उसकी पूंछ मेरे हाथों को लपेट रही थी, तो उसके पूंछ में जहर का कांटा बिल्कुल नहीं होता। और जो दूसरी बात है कि वो मवेशियों के पैरों को लिपट के उनका दूध पी जाता है, तो इस बात में कितनी सच्ची है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल एक मिथक कहानी है। क्योंकि दोस्तों सांप जो है वो दूध को पचा ही नहीं सकते, उनके पेट में वो एंजाइम ही नहीं होता कि वो दूध का जो लैक्टोज होता है उसे पचा पाए। तो सांप के लिए दूध एक जहर का काम करता है, और जैसे ही सांप अगर दूध पी लेता है, अगर ज़बरदस्ती उसको पिलाया जाता है, तो सांप को तुरंत डिहाइड्रेशन हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके सांप की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों सांप को, किसी भी सांप को दूध नहीं पिलाना है हमें, क्योंकि दूध सांप के लिए जहर का काम करता है। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले महीने एक नई वीडियो के साथ। टिल देन लिविंग यू विल, थैंक्स फॉर वाचिंग। चलिए गाइस, बाय।